अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ अर्सा पहले अगर मैं देखने जाऊँ तो ये ऑफिस, ये एरिया पूरा एक जंगल की तरह था। जब ब्रिगेडियर औरंगजेब साहब यहाँ पे आए तो उन्हें शायद यकीन नहीं था कि पता नहीं इतनी स्पीड से ये लोग काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। जब गेट पे खड़े हुए थे तो द वर्ड्स आई सेड, भाई साहब आप नॉर्मल आदमी नहीं हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जंगल में मंगल कर दिया माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का करम है, हमारे पैसे वसूल हो गए। आज तक पाकिस्तान को देख रहे हैं तो अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। ना हमें वो पहाड़ नज़र आ रहे थे, ना वो चट्टानें नज़र आ रही थी, ना हम शाहीन की तरह उड़ रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आवर टीम हैज़ कम टू पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हम लोग इस पाकिस्तान के काम को और आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह ताला। मेरा ताल्लुक मेमन फैमिली से है। मेमनों पे अल्लाह ताला का ये करम है, आप हमको जंगल में भी छोड़ दोगे, कुछ अरसे के बाद हम लोग पैसे वाले मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि वी विल मेक दिस सिटी, वी विल मेक द DHA। इंशाल्लाह लोग प्राउड करेंगे। लोग एफिल टावर पे जाते हैं, फ्रांस के डिप्यूटी एम्बेसडर बैठे थे, हम लोग परसों कायदे आज़म हाउस में बैठे थे तो वो बता रहे थे कि एफिल टावर में एवरी ईयर 80 मिलियन पीपल आर कमिंग जस्ट टू विजिट एफिल टावर, और वो कुछ भी नहीं है। लोग पिरामिड जाते हैं इजिप्ट में सिर्फ देखने के लिए, विच इज़ नथिंग। इंशाल्लाह हम लोग वहाँ यहाँ पे वो चीज़ें बनाएंगे कि 80 मिलियन नहीं, इससे भी ज़्यादा लोग आएँ यहाँ पे आके देखें। जो लोग यहाँ पे रहेंगे, मेरी ख्वाहिश होगी कि ये लोग कहें कि हाजी साहब वन ऑफ द बेस्ट प्लेस माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला मेरी फैमिली इन दुबई सिंस 1956, आज तकरीबन कितने 65 साल हो गए, इससे भी ज़्यादा हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब सुल्तान बिन सुलेम इतनी फाइलें लेकर मेरे पास आए और मुझे कहा हाजी साहब जस्ट एक, वहाँ पे जो मेरा लेक टावर्स का एरिया था, तो मुझे कहा हाजी साहब जस्ट टेक इट, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो मैंने कहा व्हाई यू आर गिविंग मी ऑल दिस टावर्स टू मी। उसने कहा हाजी साहब मैं आपकी आंखों में बहुत रौनक देख रहा हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह ताला का शुक्र है जब इतना भरोसा करता है। हालांकि कंस्ट्रक्शन मेरा मेन बिज़नेस नहीं था, मेरा मेन बिज़नेस था गोल्ड का। उसने उस गोल्ड से मुझे इन कंस्ट्रक्शन के हवाले कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही करेंगे, और वहाँ पे जितने भी टावर बनाए अल्लाह ताला के करम से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तोफ़ील में जितने टावर बनाए सब में बेस्ट क्वालिटी बेस्ट डिज़ाइन के अवार्ड्स लिए गवर्नमेंट ऑफ यूएई से अल्हम्दुलिल्लाह। आज राय साहब आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि हम कुछ काम अगर अच्छा कर जाए तो हमें हमारे बच्चों को अवार्ड ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारे बच्चों की हौसला अफजाई हो और हमारा काम आगे बढ़े। पैसे तो इंशाल्लाह ताला हम लोग बना ही लेंगे यहाँ से इंशाल्लाह ताला, तो काम आगे बढ़े इंशाल्लाह ताला। और सबसे आखिरी में पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में हमें इंडस्ट्रियों की बहुत ज़रूरत है। वी नीड द लिफ्ट्स, वी नीड द टाइल्स, वी नीड सो मेनी थिंग्स। अगर यही इंडस्ट्रियाँ जो हम लोग आज कोरिया में जाके लेते हैं, चाइना से जाके लेते हैं, या जापान या यूरोपियन कंट्री से जाके लेते हैं, या अमेरिका से लेते हैं, अगर ये इंडस्ट्रियाँ पाकिस्तान में लग जाएँ तो सबसे बड़ा काम ये हो जाएगा कि मेरे बच्चों को यहाँ जॉब्स मिलना शुरू हो जाएगा और ये मुल्क आसानी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब 4 दिन पहले मेरी प्रेसिडेंट हाउस में मेरी एक तकरीर थी, उसमें भी मैंने यही कहा कि हमें ज़्यादा डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में गरीबी तो है, लेकिन गरीबी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के लोग हार्ड वर्कर हैं, स्मार्ट लोग हैं, सिर्फ इनको एक रास्ता चाहिए। अगर हमारे बड़े लोगों में कुछ गरीब दिमाग ख़त्म हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अमीरी ऑटोमेटिक आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और आखिर में आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप आने वालों को सलामत रखे, और हम बुलाने वालों को भी अल्लाह पाक सलामत रखे। इसी तरह हम लोग मिलते रहें और ये कारोबार आगे बढ़ता रहे। असल काम तो है कि हमें काम करना है। दुनिया में मेरे उस्ताद कहते थे कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, लेकिन तुम्हें काम करना है। जीतता वही है जो काम करता है इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।